प्रेम में स्वार्थ की गंध भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ स्वार्थ का अभाव आया, वहीं प्रेम का टूटना प्रारंभ हुआ। वास्तव में स्वार्थ एवं अहंकार, ये दोनों ही प्रेम मार्ग में बड़े बाधक हैं। मान लीजिए हमने किसी के हित का काम किया और फिर यह कह दिया कि इसके हित साधन में मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। बस इस अहंकार के उत्पन्न होते ही प्रेम की वीणा के तार छिन्न भिन्न होने लगते हैं। आप सेवा करके किसी को रोगादि संकटों से बचाते हैं, द्रव्यादि द्वारा किसी की विपत्ति का निवारण करते हैं। ये सभी हितपूर्ण कार्य प्रेम की वृद्धि में परम सहायक है, किंतु आप इन सेवाओं को यदि किसी के सामने प्रकट कर देते हैं तो सब किया कराया मिट्टी हो जाता है। इसलिए किसी की सेवा या उपकार करके उसे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने उपकारों को प्रकट करने से अभिमान की वृद्धि होती है और अभिमान को कोई भी सहन कर नहीं सकता। संसार का यही सत्य है, मनुष्य चाहे अहंकार का कितना ही शिकार बना रहे।